तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों देखिए, आप जो वीडियो के अंदर फोन देख पा रहे हैं सैमसंग कंपनी का फोन है, और इसका जो मॉडल है आप यहाँ पर पहले इसका प्रॉपर मॉडल देख लेना दोस्तों। इसका मॉडल है गैलेक्सी F62, आप यहाँ पर देखेंगे सैमसंग गैलेक्सी F62, ठीक है दोस्तों। और आज की वीडियो में आपको जानने के लिए मिलने वाला है कि आप किस तरीके से सैमसंग के मोबाइल गैलेक्सी F62 को रिस्टार्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको सैमसंग गैलेक्सी F62 यानी कि F62 मोबाइल को रिस्टार्ट करने का तरीका बताने वाला हूँ। तो भाई वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक वॉच करना, जिससे कि आप अच्छे से समझ सके, और कभी भी आपको अपने सैमसंग गैलेक्सी F62 मोबाइल को रिस्टार्ट करना पड़ जाए तो आप आसानी से कर सकें। तो देखिए दोस्तों, ये मैं क्यों बता रहा हूँ रिस्टार्ट करने का तरीका, इसमें थोड़ा अंतर है। पहले जो मोबाइल थे उनमें क्या है, एंड्रॉइड फोनों में आप पावर की को प्रेस करते थे, उससे ही रिस्टार्ट का ऑप्शन आपको मिल जाता था, ठीक है। लेकिन अभी जो फोन एंड्रॉइड आ रहे हैं, ये 5G या फिर 4G भी है, उनके अंदर थोड़ा प्रोसेस का चेंज हो गया है। यदि आप सिंगल पावर ऑन ऑफ प्रेस करेंगे तो आपको रिस्टार्ट या फिर रिबूट का ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलता है। तो आप किस तरीके से करेंगे ध्यान से समझना। देखिए कुछ फोनों के अंदर तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा, आप जब स्लाइड डाउन यहाँ से करेंगे इस तरीके से, तो आपको यहाँ पर पावर का एक ऑप्शन नजर आ जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर रिस्टार्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे और फिर से एक और रिस्टार्ट लिखा जाएगा, उस पर क्लिक कर देना, आपका फोन रिस्टार्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और यदि आपके फोन के अंदर ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, देखिए आपके फोन का जो पावर ऑन ऑफ की है आपको इसे प्रेस करना है, और जो आपके फोन का वॉल्यूम की होते हैं डाउन वाला बटन, जिसे आप आवाज घटाते हैं, आपको पावर ऑन ऑफ और वॉल्यूम डाउन की एक साथ प्रेस करने हैं इस तरीके से, ठीक है। दोनों को एक साथ प्रेस करेंगे तब भी आपको रिस्टार्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक करके फोन को रिस्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे समझ गए होंगे। मिलते हैं फिर से ऐसे कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।